पुस्तकें तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है और जो लिखे हुए शब्द होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। जब पढ़ते हैं तो एक एक शब्द मस्तिष्क में अंकित हो रहा है, तो इसलिए वो शब्द हमारे जीवन का सार बने, हमारे जीवन की प्रगति का पथ प्रशस्त करें, इसलिए पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है। पुस्तकों की उपयोगिता कभी समाप्त नहीं होगी, थोड़ा कम हुआ है, पर हम मानते हैं कि निश्चित रूप से चक्र का काल चक्र ऊपर आएगा और पुस्तकें पढ़ने के प्रति लोग प्रेरित होंगे, हो भी रहे हैं। यहाँ पुस्तक मेले में अच्छा प्रतिशत देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छा संकेत है कि लोग पुस्तकें पढ़ेंगे, अपनी रुचि की पुस्तकें देखने के लिए आए। ये हमारा सार्थक आयोजन है। वर्ष में एक बार होता है, लोगों को जिज्ञासा रहती है, रुचि रहती है कि मुझे पुस्तक मेले में जाना है, अपनी रुचि की पुस्तकें खरीदनी है। और ये तो बड़ा मेला है, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व पुस्तक मेला है, तो यहाँ तो विश्व भर से लोग आते हैं, पर बाकी मेले भी लगते रहते हैं। दिल्ली में आपके मेले बहुत लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या लाइव पर। आपके साथ मैं हूँ शिवानी झा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बुक वर्ल्ड फेयर में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकाशन के जो है बुक्स यहाँ पर हमको मिल जाती है और कई सारे जो है यहाँ पर लोग आते हैं, हर साल आते हैं। लेकिन ये जो है इस साल का कुछ अलग है, अलग महत्व भी है, इम्पोर्टेंस अलग है। तो यहाँ पर अभी मैं प्रभात प्रकाशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ ऑनर मौजूद है इसके, तो उन्हीं से हम सीधा बात करते हैं और आप तक, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जमाने में कैसे बुक्स की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, सर से भी जानेंगे और पूरा इनका परिचय भी जानेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपको, क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में हमारे दर्शकों? पुस्तकों का महाकुंभ है, हम अपनी सब प्रकार की पुस्तकें लेकर यहाँ उपस्थित हैं। दर्शक जो उसको देख रहे हैं वो आए, परिवार को लेकर आए, मित्रों को लेकर आए, पुस्तकें देखें, खरीदें, पढ़ें और एक पुस्तक संस्कृति विकसित करें, क्योंकि एक हम चाहते हैं ज्ञान संपन्न समाज बनाना, उसके लिए पुस्तकों के बहुत उपयोग है। सर क्या कहना चाहेंगे, आपका जो प्रकाशन है ये कितना टाइम से है, चल रहा है और क्या मतलब जो आपको चेंजेस, बदलाव आए इतने टाइम बाद नजर आया आपको किताबों को लेकर? प्रकाशन तो हमारा 1958 से दिल्ली में है, 1958 से, हाँ, तो लगभग 70 वर्षों की प्रकाशन की परंपरा हमारी है और लगभग 8,000 पुस्तकें प्रकाशित की है अब तक सभी विधाओं की। तो परिवर्तन तो बहुत आया है, क्योंकि लोगों के पढ़ने की एक रुचि परिष्कृत हो गई, तो लोग चाहते हैं अपना ज्ञान विज्ञान, भारतीय इतिहास, संस्कृति, परंपरा को जानने वाली पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे सब पुस्तकें उपलब्ध हैं प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर। आपको क्या लग रहा है सर कि जो आजकल के युवा हैं वो किस तरीके की किताबों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या किस तरह की किताबें उनको ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि आपका प्रकाशन, आपको पता होगा किस तरीके की बुक्स ज्यादा आपकी सेल हो रही है, ले जा रहे हैं लोग? एक तो नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों की बड़ी जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के विभिन्न पक्षों के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब प्रकार की पुस्तकें हमारे पास हैं। नरेंद्र भाई के कर्तृत्व को लेकर क्या उनकी सोच है, कैसे उन्होंने देश को दिशा दी, रूपांतरण किया, तो भारत का एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हुआ है उसके प्रणेता नरेंद्र मोदी हैं, तो उस विषय में लोग जानना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे सेल्फ हेल्प की किताबें हैं और भारतीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक परिवेश की जो पुस्तकें हैं उसे विशेष रुचि युवाओं में दिख रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक नए प्रकार का जो सच्चा प्रामाणिक इतिहास हमारे सामने आ रहा है, जो जानबूझ के छुपा दिया गया, जो हमारे नायक थे जिनको छुपा दिया गया, सुभाष बाबू हो, पटेल हो, अंबेडकर हो, अब उनके बारे में लोग जान रहे हैं। तो ये अब इसलिए लोगों की जिज्ञासा इनके बारे में बढ़ी है। अच्छा सर क्या कहेंगे, जैसे अभी मैंने आपसे भी बोला कि सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है कि बुक्स की इम्पोर्टेंस अभी भी बनी हुई है या नहीं बन रही है, कम होती जा रही है? पुस्तकों की उपयोगिता कभी समाप्त नहीं होगी, थोड़ा कम हुआ है, पर हम मानते हैं कि निश्चित रूप से चक्र का काल चक्र ऊपर आएगा और पुस्तकें पढ़ने के प्रति लोग प्रेरित होंगे, हो भी रहे हैं। यहाँ पुस्तक मेले में अच्छा प्रतिशत देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छा संकेत है कि लोग पुस्तकें पढ़ेंगे, अपनी रुचि की पुस्तकें देखने के लिए आए, ये हमारा आग्रह है। अच्छा, हर साल वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज होता है, लोगों के लिए लगता है ये मेला, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके का और भी होना चाहिए? इस साल में एक बार होता है तो क्या बार बार होना चाहिए? ये सार्थक आयोजन है, वर्ष में एक बार होता है, लोगों को जिज्ञासा रहती है, रुचि रहती है कि मुझे पुस्तक मेले में जाना है, अपनी रुचि की पुस्तकें खरीदनी है। और ये तो बड़ा मेला है, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व पुस्तक मेला है, तो यहाँ तो विश्व भर से लोग आते हैं, पर बाकी मेले भी लगते रहते हैं। दिल्ली में आपके मेले बहुत लग रहे हैं। बुक्स की इम्पोर्टेंस किस तरीके से दर्शाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बुक्स की आकर के पढ़ें? पुस्तकें तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार है और जो लिखे हुए शब्द होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। जब पढ़ते हैं तो एक एक शब्द मस्तिष्क में अंकित हो रहा है, तो इसलिए वो शब्द हमारे जीवन का सार बने, हमारे जीवन की प्रगति का पथ प्रशस्त करें, इसलिए पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है। कलेक्शंस के बारे में अगर पूछूं तो कलेक्शंस इस बार क्या सच में ज़्यादा आए हैं? अगर इससे पहले के वर्ष की बात करें तो कुछ कम कलेक्शंस होती थी और इस बार ज़्यादा है, ऐसा कुछ है? नहीं, सब प्रकार के आए हुए हैं। हमने पिछले पुस्तक मेले से अब तक 300 नई पुस्तकें लेके आए हैं। 300 नई पुस्तकें एक साल में प्रकाशित हुई है हमारी, सबसे बढ़िया प्रदर्शित हुई। तो यानी पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ रही है लोगों। बुक्स के बारे में और एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को, कुछ विद्या लाइव के व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैं तो सबसे यही कहूँगा कि पुस्तकें पढ़िए, पुस्तकें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, उपहार में पुस्तकें दीजिए और पुस्तक संस्कृति विकसित कीजिए। आप सबके सहयोग से ही एक स्वस्थ समाज बनेगा, एक पढ़ा लिखा समाज बनेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यहाँ पर आपने प्रभात जी की बात सुनी और किस तरीके से इन्होंने भी किताब की इम्पोर्टेंस बताई कि किस तरीके से आजकल युवाओं को जो है किताबों की ओर ज़्यादा प्रभावित होना चाहिए, सोशल मीडिया की तरफ कम ध्यान देना चाहिए। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहे हमारे चैनल विद्या लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।